हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाबाज और बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत सारे बच्चे जो जुडिशियल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मन में रहता है कि जुडिशियल एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए भी हम लोग वीडियोज लेके आएंगे, इवन आपको स्ट्रेटेजीज वीडियो लेके आएंगे कि आप कौन सी चीज कैसे कर सकते हो, कौन सी चीज के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी। आज की वीडियो आने वाली है कि कुछ लोग बच्चे जो एमपी की आप तैयारी करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं कि एमपी एक जो अगर आप जुडिशियल आपने एलएलबी में एडमिशन लिया है तो पॉसिबिलिटी है कि आप जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। अगर जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे अच्छी वो कौन सी वैकेंसी है जो हर स्टेट का बच्चा दे सकता है, या ऐसी बहुत सारी स्टेट्स हैं जो हर बच्चा टारगेट करता है, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, आपका दिल्ली वैकेंसी हो गई, आपकी एमपी वैकेंसी हो जाती है और आपकी राजस्थान। ये ऐसा है कि ये हर स्टेट के बच्चे देते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई अलग से क्राइटेरिया नहीं दिया गया। हाँ, आपकी यूपी की वैकेंसी को भी बहुत सारे बच्चे टारगेट करते हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स होती है जहाँ पे हम टारगेट नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ स्पेशल लैंग्वेज चाहिए पड़ती है, अब लोकल लैंग्वेज ज्यादा होते हैं। तो एमपी की वैकेंसी का सिलेबस देखते हैं, एमपी सिविल जज सिलेबस के बारे में देखते हैं, जुडिशियल एग्जाम के बारे में, किन किन कैटेगरीज में एग्जाम को बांटा गया है। और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म, अगर हम बात करें इंडिया का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा है जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, दैट इज नन अदर देन, जिसकी मैं शर्ट पहना हूँ, दैट इज अनअकैडमी। अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, और आप मानिए इतने बेहतर एजुकेटर, इतनी बेहतर फैसिलिटीज, इवन फ्री क्लासेस भी आपको है। आप तो सबसे पहले आइए, फ्री क्लासेस लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होंगी, आप लिंक पर क्लिक करिए, आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा या प्ले स्टोर पर जाके ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्लासेस लीजिए, फ्री क्लासेस लीजिए इवन अगर आपको चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप क्लासेस लेने जा रहे हैं तो मेरी तो रोज फ्री क्लास होती है @विधिक जागरूकता। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है @विधिक जागरूकता, इस चैनल से जरूर जुड़िए जहां पे मैं आपको फ्री क्लासेस भी कराता हूँ हर एग्जाम के बारे में। चलिए सिलेबस को देखते हैं। उसके पहले बता दूं, हमेशा डिस्काउंट वगैरह चलता रहता है अनअकैडमी में। अगर सब्सक्रिप्शन कभी भी लेने का मन बने तो आप कोड यूज कर सकते हैं शाबाज 10, ठीक है, कभी 10%, कभी 20, कभी इवन 25% तक भी आपको ऑफ मिलेगा। चलिए, एमपी सिविल जज का एग्जाम आपका तीन कैटेगरी में होता है, तीन स्टेजेस में होता है, हम जिसको तीन स्टेज बोलते हैं। पहला स्टेज होता है प्री, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। अब प्रीलिम्स एग्जाम का अगर हम सिलेबस देखते हैं तो भैया प्रीलिम्स एग्जाम कितने का नंबर का होता है, प्रीलिम्स एग्जाम 150 मार्क्स का होता है। द कैंडिडेट नीड टू गिव टू पेपर्स, मतलब टू पार्ट्स होते हैं, मतलब उसमें साथ ही में जुड़े होते हैं, एक पार्ट आपका लॉ का होता है और एक पार्ट आपका जीके वाला पार्ट होता है, ठीक है, क्लियर हुआ। 150 नंबर का हुआ लॉ, होता है आपका 110 नंबर का, और 40 नंबर का जीके होता है, और ये टोटल बन जाता है आपका 150 नंबर। अब सबसे पहले देखते हैं, अब अगर आपको प्रीलिम्स मेंस एग्जाम में जाना है तो सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, प्रीलिम्स के बाद मेंस, मेंस के बाद इंटरव्यू। तो जितने भी कैंडिडेट आपके आते हैं उसके कितने 10, मतलब आपको लगभग लगभग 10 गुना जितनी वैकेंसी आती, समझो 10 वैकेंसी आई तो आप उसको 10 to 10 से इंटू कर दीजिएगा 100 लोग। अगर 100 वैकेंसी आई तो उसको आप 100 को कितने किससे 10 से आप इंटू कर दीजिए तो आपका टोटल 1000 लोग हो जाएंगे, अर्थात जितनी भी वैकेंसी आएंगी उसके 10 गुना लोग कहां पर क्वालिफाई होंगे, आपके इंटरव्यू के लिए होंगे, सॉरी मेंस के लिए होंगे। अब देखिए सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं फर्स्ट पार्ट में, जो हम लॉ की बात कर रहे हैं, लॉ में आपके टोटल 12 सब्जेक्ट है, वर्तमान में हो सकता है सिलेबस कभी चेंज होगा तो अलग बात, इवन आपको कैटेगराइज किया गया कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 10 नंबर का, सीपीसी 15 नंबर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 7 नंबर का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 8 नंबर, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 6 नंबर, लिमिटेशन 4, एकोमोडेशन, ये दोनों एमपी के स्पेशल लॉज हैं या लोकल लॉज आप बोल सकते हो, लोकल लॉज हैं ये, 5-5 नंबर के, केवल लोकल लॉ का वेटेज ही इतना है, और लोकल लॉज में का वेटेज इतना तो है ही, लेकिन बता आपको नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, एविडेंस आपका आईपीसी सीआरपीसी 15-15 नंबर का, और एनआई आपका आता है 5 नंबर का। ये 12 सब्जेक्ट वर्तमान में, अब हम 2023 की अभी बात कर रहे हैं तो ये आपके सब्जेक्ट है 2023 की, अगर हम अप्रैल की बात करें। इसके साथ साथ आगे चलते हैं, बात करते हैं सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में अगर बात करते हैं इसी में प्रीलिम्स में, तो मैंने अभी बताया 40 नंबर का क्या आता है आपके, और 40 नंबर का क्या आएगा जीके, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, 10 नंबर का कंप्यूटर, 10 नंबर का इंग्लिश। तो भैया फिर से देख लीजिएगा, 110 नंबर का लॉ आया जिसमें आपके 12 सब्जेक्ट है, प्लस आपका 20 नंबर का आपका जीके आता है, प्लस आपका 10 नंबर का इंग्लिश आता है, प्लस आपका 10 नंबर का कंप्यूटर आता है, ठीक है, 10 का आपका कंप्यूटर आता है, टोटल हो जाता है 150, और इनटू वन, वन मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का आपका होता है। अब जब हम समझो वैकेंसी, जितनी भी वैकेंसी आती हैं इसके 10 गुने लोग क्या होते हैं आपके मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 100 वैकेंसीज आई तो 100 के 10 गुना अपन ने किया तो 1000 लोग आपके लिए मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। एससी एसटी ओबीसी जनरल, जनरल ये तीन ही कैटेगरी चलती है, ईडब्ल्यूएस को वर्तमान में कोई आरक्षण नहीं है, ना कोई महिलाओं को आरक्षण है, हाँ महिलाओं को लगभग लगभग वो
40 से 50% ले लेते हैं, डायरेक्टली कोई आरक्षण नहीं है, डायरेक्टली चार कैटेगरीज में बांटा गया है। अगर प्रीलिम्स 152 का हो, 50 का हो रहा है, तो एससी एसटी वालों को 82 नंबर और ओबीसी और जनरल वालों को 92 नंबर कम से कम लाना जरूरी ही है, तभी आप मेंस क्वालिफाई कर पाओगे और उसके ऊपर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये हो गया आपका प्रीलिम्स एग्जाम। आते हैं मेंस की तरफ। अब इसके बाद होता है मेंस एग्जाम, जिसमें होते हैं चार पेपर और हर पेपर होता है 100-100 नंबर का, तो हो जाता है 400 मार्क्स के। 2 दिन में ये आपके चार पेपर होते हैं, 2 दिन में हर रोज दो दो पेपर, 2 into 2, एक दिन में दो पेपर और हर पेपर होता है 3 घंटे का, 3 आवर्स का पेपर होता है, तो हो जाते हैं चार पेपर आपको टोटल देने पड़ते हैं। बात करते हैं अपन, ठीक है निखर, एज मेंशन, और हर पेपर आपका 100 नंबर का होने वाला है और एक दिन दो पेपर, एक दिन दो पेपर। चलिए पहला पेपर कौन सा होता है, सिविल लॉ का, 100 नंबर का। सिविल लॉ में यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर लिखने पड़ते हैं, दैट इज अ क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, टीपीए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एसआरए और लिमिटेशन, ये आपके जो पेपर है। यहाँ पे आपको छह सब्जेक्ट दिए गए हैं, जहाँ पे आपके 100-100 नंबर के पेपर होते हैं, तो आपको यहाँ पे लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं। कुछ आपके 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, कुछ 8 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो ये आपको लिखने हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। जब ये हो जाता है आपको, यहाँ पे आपको चैप्टर भी मेंशन है, सारे में आपका बता दिया गया है कि 1, 2 और 4 और 4 to 6 आपका जो चैप्टर आएगा, 8 चैप्टर आएगा, वैसे लिमिटेशन में पार्ट सेकंड और थर्ड आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पेपर की तरफ। सेकंड पेपर आपका होता है राइटिंग टेस्ट, स्किल्स और करंट अफेयर्स और लीगल अफेयर्स का आपका होता है। देखो करंट लीगल मुद्दों पे, सोशल मुद्दों पे, देखो क्या क्या होगा, ट्रांसलेशन 20 नंबर का, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश आपका। इसके साथ साथ आपका आता है आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग सोशल इशू पे भी लिखना पड़ता है और आपको लीगल इशू पे भी लिखना पड़ता है। इसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग आती है आपको, जिसमें आपको, अब देखिए लिखा है ना राइटिंग सोशल इशू, अब ये 20 नंबर कर लीजिए, इसको 20 नंबर कर लीजिएगा। लीगल आपको 20 इशू पे 20 इशू, प्रीसी राइटिंग आपको 20 नंबर की, और ये आप कल दोनों को कर लीजिए 20-20 नंबर, सब कुछ 20-20 नंबर का है। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, ये रिसेंटली अभी चेंज हुआ था पिछले साल ही, थोड़ा सा अभी अपडेट यहाँ पे नहीं किया गया है स्लाइड्स पे। ये हो गया आपका 100 नंबर का, तो ये पहले दिन के पेपर खत्म हो गए, ठीक है, पहले दिन के पेपर खत्म हो गए और पहला पेपर। अब दूसरे दिन चलते हैं, दूसरे दिन जब पेपर होंगे, दूसरे दिन पहला पेपर, मतलब वैसे तीसरा पेपर, तो ये क्रिमिनल के क्वेश्चन आंसर का होगा, क्रिमिनल क्वेश्चन आंसर का। यहाँ पे एमपी अकोमोडेशन, एमपीएलआरसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, आपको ये तमाम चीजें यहाँ पे बताई गई, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। इनकेस अगर आपको फर्दर कोई दिक्कत होती है ना, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। और लास्ट पेपर होता है जजमेंट राइटिंग का, इसमें आपको इशू फ्रेम करने के लिए सिविल मामलों में आप इशू फ्रेम करते हैं 10 नंबर, क्रिमिनल मामलों में आप चार्ज फ्रेम करते हो 10 नंबर, और क्रिमिनल और सिविल आपको जजमेंट 40-40 नंबर का, तो ये हो जाता है 100। तो 100 4 into 4 पेपर हो रहे हैं, 100-100 नंबर के 400 नंबर। इसमें भी आपको बता दूं, अगर आप ओबीसी एससी और एसटी से, एससी और एसटी से, तो यू हैव टू गेट मिनिमम 180 मार्क्स, और अगर आप ओबीसी और जनरल से है, तो यू हैव टू गॉट 200 मार्क्स, आपको 200 मार्क्स चाहिए पड़ेंगे मिनिमम, इसके बाद आपका क्या बनता है, कट ऑफ। अब जितने वैकेंसीज थी, इसके 3 गुना, मैंने वहां पे 10 गुना बताए थे मेन को, अब समझिए 100 वैकेंसीज थी, तो इंटू कर देंगे 3, 300 लोग आपके कहां करेंगे, इंटरव्यू में जाएंगे। ये आपका हो गया राइटिंग टेस्ट, पहला आपका हो गया कॉन्सेप्ट का टेस्ट प्रीलिम्स में, यहां पे आपका राइटिंग टेस्ट हो गया। अब आ जाते हैं पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं वाइवा, वाइवा जिसको आपका कितने नंबर को होता है, 50 नंबर का, और अभी अभी वर्तमान में 2-3 साल से चल रहा है कि 20 नंबर मिनिमम आपको चाहिए पड़ते हैं एमपी में, अगर आपको इंटरव्यू, आपके मेंस में कितने भी ज्यादा नंबर हो लेकिन आपको 20 नंबर चाहिए पड़ेंगे, तो ये जरूरी है। फिर 20 नंबर में से आपका जो भी होगा, तो प्रीलिम्स एग्जाम के नंबर नहीं जोड़े जाते हैं, प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, मेंस प्लस इंटरव्यू, अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं इंटरव्यू, अगर क्वालिफाई कर रहे हो तो 450 में से जो भी मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से आपको बनाया जाएगा। इसके साथ साथ हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है ना, नो मैटर हाउ मच कैंडिडेट स्कोर इन द मेंस एग्जाम, मेंस एग्जाम में आपने क्या भी स्कोर किया है, अनलेस ही शी हैज पर्सनालिटी टेस्ट राउंड सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ, अगर आपने मिनिमम मार्क्स नहीं मारे, आपने मेंस में कितने भी कर दिए, आपका नहीं होगा, मिनिमम मैंने बता दिया 20 नंबर होगा। आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एलएलबी चाहिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए, कम से कम क्या होनी चाहिए जो आपको बताई गई है, 21 साल से लेकर 35 साल तक, लेकिन कुछ बच्चों को जो एससी एसटी ओबीसी और फिजिकल हैंडीकैप्ड है, इनको क्या दिया जा रहा है, रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो देखिए इतनी सारी चीज, इसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज जानना है एमपी के बारे में, आपको मैं एक स्ट्रेटेजी सेशन लाऊंगा जहां पे आपको किताबों के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी किताबें प्रेफर कर रहे हैं, कौन कौन सी किताबें हैं वो जो आपको हेल्प कर सकती है। हमारा टेलीग्राम चैनल @विधिक जागरूकता, उसको जरूर फॉलो करिए, ठीक है, उसको जरूर फॉलो करिएगा, जहां पे आपको इतनी प्यारी प्यारी वीडियोज हम लेके आएंगे, और मैं रोज अनअकैडमी में फ्री क्लास लेता हूँ, अनअकैडमी में
हमारी जो क्लासेस होती है रोज फ्री होती हैं, मैं फ्री क्लासेस भी लेता हूँ उनको, उनसे भी अगर आपको जुड़ना है तो अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर या गूगल से, आप एप्पल स्टोर से उसको ऐप लोग को डाउनलोड कर, लर्निंग ऐप, लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिएगा, यूपीपीसीएसजे अपना करके, पीसीएसजे या यूपीपीसीएसजे या जुडिशरी आप करके अपना क्या कर लीजिएगा, गेल गोल को, एम को आप सेलेक्ट कर लीजिए। जब एम सेलेक्ट कर लोगे आपको मेरी क्लासेस में एंट्री करना, मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरा नाम है शाबाज SHA, अनअकैडमी में डालोगे फॉलो कर लोगे, जब भी मेरी क्लास की तरफ जाओगे जिसके बारे में आपको यहां से आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। आपको कोड यूज करना है, ठीक है, वन टाइम कोड रहता है आपको, केवल एक बार कोड यूज करोगे शाबाज 10, आप लाइफ टाइम फ्री क्लासेस ले पाओगे। डेफिनेटली होपफुली, डेफिनेटली और होपफुली ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो ऐसे ही सेशन हम आपके लिए समय समय पे लाते रहेंगे जो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय समय पे हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर